जिंदगी पूरा कैद खाना हो गया। अरे हर मोहल्ला गली सब कुछ खाली हो गया, लेकिन यार ये तो हमारे भलाई के लिए ही है ना, तो ये तो अच्छा ही है। और यार चीज़ों का दाम तो पूरा अंबानी के घर की तरह बन रहा है। हाँ वो तो हो रहा है, लेकिन ऐसे टफ सिचुएशंस में इन चीज़ों को लाना भी तो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन कोई ज़बरदस्ती अगर इसे चार्ज करे तो पुलिस एक्शंस लेती है कभी कभी। काम धाम सब बंद है। अरे यार पागल, लोग जिंदा रहेंगे तब तो काम करेंगे, अभी घर पे ज्यादा रहे तो वही बेहतर है। लेकिन इन सब में भी सोशल मीडिया में चुतियापा बंद नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बोला यार। अरे कल मैं देखा कि एक जन फेसबुक पे दिया है फीलिंग रोमांटिक विथ 51 अदर्स। अरे अगर रोमांटिक फील ही करना तो अकेले में करना भाई, चिकन का पीस है क्या जो सब मिलके खाएंगे तुझे? ये सब तो वो कोरोना है जो आसपास घूमते रहते हैं। अरे मैं आज सुबह ही देखा फेसबुक पे, मतलब एक जोड़े के ऊपर था, इतना चुतिया है ये लोग। लिसन बंदी ने लिखा है कि बेबी अगर मुझे कोरोना हो गया तो तुम क्या करोगे? और उस वो साला बोलता है कि मैं फिर भी तुमको चूमूंगा, मैं फिर भी तुमको चूमूंगा। मतलब ऐसे टफ सिचुएशंस में इतना चुतिया पर ये लोग लाते कहाँ से मुझे पता नहीं। और ये जैसे फ्रूट केक्स जितना कम हो जाए ना साला, इतना ही दुनिया से अच्छा है। और बे मतलब अगर घर से बाहर गए तो पुलिस का डंडा तो है ही। हमारे दूसरे ब्लॉक में ही तो इम्बेलेंस चूतिए रहते हैं। आज सुबह साला टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए रास्ते पे गए थे, जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया पुलिस आके दौड़ के पीछे लगा दिया। अरे परसों तो मैं मरते मरते बचा था। क्यों भाई ठीक से बोल। अरे नहीं नहीं सुन मेरा बात पहले। उस दिन मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा नहीं मतलब रेलवे क्रॉसिंग पे खड़ा था साइकिल लेकर, लेकिन ट्रेन आने में भी टाइम था तो मैं सोचा कि क्यों ना साइकिल लेके ही क्रॉस कर लेता हूँ। अचानक एक लड़की पीछे से बोल रही थी कोरोना कोरोना कोरोना। मैं डर गया और पीछे मुड़कर देखा कि सब डंडा और पत्थर लेके मेरे पीछे आ रहे हैं। अरे सबको लगा कि मुझे कोरोना है, लेकिन फिर पता चला वो लड़की बंगाली है, और कुछ ना करने को बंगाली में भी कोरोना कहते हैं। नहीं तो मुझे मरवा ही दी थी वो। राजू और रफू बेटा तुम भी हो? राजू जरा चल मार्केट जाना है। पापा लेकिन अभी तो बहुत रश होगा मार्केट पे। अरे मैंने चौधरी से बात कर लिया है, वो ज़रूरत की सारी चीज़ें साइड करके रखेगा मेरे लिए, और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो चल 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 जल्दी। पर पापा ये तो गलत है, अगर हम लोग ही सब कुछ ले लेंगे तो बाकियों का क्या होगा? और रास्ते में जो गरीब रहते हैं तो उनका क्या होगा? वो तो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। इतने में तो अगर हम हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो कैसे चलेगा, और वो भी ऐसे टफ सिचुएशन में। बात तो सही है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचना तो गलत है, इस जंग में हम सबको एक साथ लड़ना होगा, है ना? और मेरी ये आप सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके उतना प्रिकॉशन लेने की कोशिश कीजिए। अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए प्लीज़। अगर हो सके तो टाइम टू टाइम सैनिटाइजर से हाथ धोइए, घर वालों का ख्याल रखिए, और जितना हो सके लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा रहने की कोशिश कीजिए। किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।